आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, निम्न कॉलम का मिलान कीजिए तथा सही संयोजन को छांटिए। पहला ऑप्शन है कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है, कॉलम सेकंड, डार्विन, डिवरिज, पाश्चर और फोक्स का हमें बताना है। दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए, डार्विन। डार्विन उद्विकास की हिस्ट्री में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बीगल नामक जहाज से यात्रा कर उसके ऊपर एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो यहां पर ए का हो गया आर। इसके बाद बी आता है डिवरिज। डिवरिज एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के नियमों की दोबारा से खोज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के साथ साथ इन्होंने उत्परिवर्तन की खोज की थी, या इन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। जीवों के जीनों में अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है, और यह कथन डिवरिज ने दिया था। तो यहां पर जो बी है, बी का हो गया पी। इसके बाद सी आता है, सी पाश्चर। पाश्चर सूक्ष्म जीव विज्ञान में पाश्चर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्होंने हंस गिरवा फ्लास्क प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि जो जीव है वह स्वतः उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनकी उत्पत्ति किसी से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे होती है। तो यहां पर जो सी है उसका हो गया टी। इसके बाद आता है डी फॉक्स। फॉक्स एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोबायोसिस के बारे में बताया। प्रोटोबायोसिस मतलब सूक्ष्म जीवों का मानव के सहायता के लिए उपयोग करना, प्रोटोबायोसिस कहलाता है। यह जो कथन है ये फॉक्स ने दिया था। तो यहां पर डी का हो जाएगा क्यों। यहां देखते हैं ए आर, ये ऑप्शन ए आर, और एक इसमें दिया हुआ है बी का पी, इसमें बी का टी दिया हुआ, इसलिए ये गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए आर बी पी सी और टी डी और क्यों। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।